दिल्ली सरकार ने शुरू किया 20 लाख फूलों के पौधों का लगाना, अब महकेंगी शहर की सड़कें। नमस्कार, मैं हूँ नाज़िश कुरैशी, आप सभी का स्वागत है ई इंडिया न्यूज़ पर। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली की सरकार ने सितंबर महीने में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत राजधानी दिल्ली में 20 लाख फूलों के पौधों का लगाना लक्ष्य रखा है। इनमें से 12 लाख पौधे वन्य जीव विभाग और बाकी अन्य एजेंसियां लगाएंगी। वहीं वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि उन्होंने फूलों की विभिन्न प्रजातियों के पौधों की बड़ी संख्या में लगाने की योजना बनाई है। इस कार्य को जुलाई के अंत तक पूरा किया जाएगा। दिल्ली में किस स्थान पर लगेंगे पौधे? आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने विभिन्न विभागों जैसे नई दिल्ली, नगर पालिका परिषद, विकास विभाग और दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग के साथ साथ केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों की बागवानी शाखाएं सार्वजनिक स्थानों, गोल चक्करों, प्रमुख चौराहों, फ्लाईओवरों और वर्टिकल ग्रीन्स को सजाने के लिए कहा गया है और वहां पर विदेशी फूलों के पौधे भी लगाए जाएंगे। शिखर सम्मेलन के मुख्य स्थल प्रगति मैदान के बीच के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और लुटियंस दिल्ली इंडिया गेट क्षेत्र में स्थित है। वहीं भारत ने पिछले साल दिसंबर G20 की अध्यक्षता संभाली थी। साथ ही आपको बता दें, शिखर सम्मेलन जो सितंबर 2023 में आयोजित होने वाला है, उसकी बैठकें अब शुरू हो चुकी हैं। इस सम्मेलन में ग्रुप ऑफ जो 20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल होंगे। इनके सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन के लगभग 85%, वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या के लगभग 2/3 का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसी ही ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल ई इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।